हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि सब्जेक्ट है बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का। इसमें इसके अंतर्गत टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल चिकन्स, मतलब मुर्गे और मुर्गी दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग इसमें पार्ट्स होते हैं, कैसे एक का फॉर्मेशन होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग दो या तीन लेक्चर्स में इसे कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा, दूसरे लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा, और तीसरे लेक्चर में हम लोग एक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा जाएगा कि एक कैसे फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ चिकन, मतलब मुर्गे का प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हेडिंग हियर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आगे आप समझ सकते हैं कि चिकन का हम पढ़ा रहे हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन मतलब मुर्गे का है। तो जो एवियन, एवियन मतलब पहली बात एविस जो होता है, एवस शब्द जो होता है वो पक्षी के लिए यूज होता है। यहाँ पर एवियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोल रहा है कि ये हेट्रोसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। क्या? मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसमें जो नर और मादा होते हैं ये अलग अलग, जैसे मुर्गा मुर्गी आप जानते हैं, बत्तख और बत्तखिया दोनों मतलब मेल और फीमेल होते हैं, नर और मादा बत्तख होते हैं। कोई भी पक्षियां देख लीजिए तो नर और मादा दोनों होते हैं। ये दोनों मिलकर के ही अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, मतलब अपने बच्चे को पैदा करती है, दोनों मिलकर अपने बच्चे को पैदा करती है। जैसे कि मेल जो होता है, जो नर होता है वो आधा अपना कंट्रीब्यूट करता है, और जो सीमन के रूप में क्या टेस्टिस से जो अपना सीमन बनाता है स्पर्म, स्पर्म जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, मनुष्य में जैसे स्पर्म बनता है टेस्टिस के द्वारा निकलता है सीमन के साथ, तो उसी सीमन को ये भी टेस्टिस में बना करके स्पर्म को सीमन के साथ निकालता है मेल। उसका जो फीमेल होती है वो अपना ओवम जो होती है, ओवम को एक योक से ओवरी तक लाती है, ओवरी में प्रोड्यूस करती है ओवरी के द्वारा। उसके बाद जो ओवम है, ओवम मतलब जो फीमेल में अंडा होता है, मतलब मादा में जो अंडा बनता है उसे ब्लास्टो डिस्क, ब्लास्टोडर्म या जर्म डिस्क भी कहते हैं। क्या? तीन नाम से जाना जाता है ओवम को, फीमेल मतलब मुर्गी के ओवम को, मुर्गी को अंडे जो उसमें अंडाशय बनता है, जो इसमें जो बाद में मिलकर के अंडे का निर्माण करेगा, तो उसे ब्लास्टो डिस्क, ब्लास्टोडर्म या जर्म डिस्क कहा जाता है। आगे हम लोग देखा जाए कि फॉलिकल जब रिलीज हो जाता है ओवरी पर, तो यॉल्क मूव्स टू द ओविडक्ट, जो यॉल्क बनता है उसमें ओवम बनता है वो ओविडक्ट में मूव करता है। ओविडक्ट एक नली जैसा आकार है, उसमें क्या करता है जाता है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके फर्टिलाइज मतलब कि जब मेल के स्पर्म से उसका मिलन हो जाता है, वो फर्टिलाइज जाएगा, मेल और फीमेल का मिलन होकर दोनों मिल जाते हैं, तो वो कहाँ हो जाता, कहाँ मिल जा, कहाँ जुड़ता है, उससे एल्बुमेन जुड़ता है, जो मतलब अंडे का सफेद वाला पार्ट होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के नीचे जो अंडे का छिलका के नीचे एक पतली सी परत होती है, वो परत जुड़ती है, फिर उसके बाद अंडा का छिलका जुड़ता है। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस होता है, ये मुर्गे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जो कि बिल्कुल ब्रीफ में था। अब हम लोग इसे डीप में पढ़ा जाएगा एक एक टॉपिक को। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पहले थ्योरी न ले जाकर के डायरेक्ट फिगर के हिसाब समझाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा थ्योरी सभी के बारे में समझा देंगे। तो जैसा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा पूरा नहीं आ रहा है, तो ये अब देख लीजिए, अब पूरा ये आ जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो फिगर है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें एक टेस्ट, एक पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब एक पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है इसमें, साथ में इसमें टेस्टिस से निकले हुए स्पर्म को पहुंचाने के लिए एक है डिफरेंट डक्ट। क्या? एक डिफरेंट डक्ट पाया जाता है, जो कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है उसे वहां से क्लोएका मतलब बाहर निकालने के लिए लेके आता है।
मतलब पहला टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है, ये सब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ स्पर्म बनता है, यहाँ से इस पाइप के द्वारा, ये जो मुड़ी हुई पाइप देख सकते हैं, इस पाइप के द्वारा दोनों टेस्टिस में से, दोनों तरफ पाइप है, उस टेस्टिस में से निकल के यहाँ क्लोइका में आता है। ये यहाँ क्लोइका मतलब ये बाहर वाला पोर्शन खुला होता है, मतलब मुर्गी के पीछे जो हिस्सा होता है उसमें यह ओपनिंग खुला हुआ हिस्सा पाया जाता है, यहीं से ये दोनों रिप्रोडक्शन या मेटिंग का काम करते हैं। मतलब ये मुर्गा और मुर्गी एक साथ मिलते हैं तो ये एक दूसरे से मतलब जैसे सहवास करते हैं, या फिर तो एक दूसरे से जब मतलब कि मेटिंग करते हैं तो इसी क्लोएका की मदद से करते हैं। क्लोएका में एक छोटा सा पिंपल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटा सा ही होता है, जैसे मेल में और किसी जानवर की बात करें तो उसमें पेनिस पाया जाता है। क्या पेनिस पाया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन मुर्गे की बात करें तो मुर्गे में पेनिस नहीं होता, बल्कि पेनिस जैसा बिल्कुल एक छोटा सा आकार का स्ट्रक्चर क्लोएका में पाया जाता है, जो कि यूज होता है किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए, और वो जुड़ा होता है डायरेक्ट डिफरेंट डक्ट से। ये डिफरेंट डक्ट होता है जो कि क्या कार्य करता है कि टेस्टिस से सीमन को डायरेक्ट क्लोएका तक पहुंचाता है। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरऑल व्यू था। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके बारे में पूरा डीप में देखते हैं एक एक चीज के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल चिकन। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल चिकन, तो इसमें क्या पहले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो पेशाब वाला सिस्टम है, मतलब मुर्गे में जहां से यूरिन निकलता है, एक्सक्रेशन होता है, और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन वाला सिस्टम ऑर्गन्स जो है वो एक साथ ही लास्ट में आके जुड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऑर्गन है डोमेस्टिक फूल का, दो टेस्टिस होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टिस होते हैं, दोनों के साथ एक एक डिफरेंट डक्ट जुड़ा होता है जो कि क्या करता है, टेस्टिस से क्लोएका को जोड़ता है। तो आपने पहले बताया कि जो कि दो टेस्टिस दोनों से जुड़ा हुआ है, दो डिफरेंट डक्ट जो कि टेस्टिस से क्लोएका को जोड़ा है। उसके बाद इसमें कोई पेनिस नहीं होता, मैंने क्या बताया इसमें कोई पेनिस नहीं होता, बल्कि पेनिस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। क्या पेनिस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है वो आगे हम बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए ये इनका जो टेस्टिस होता है, क्या इनका जो टेस्टिस होता है यह पीछे वाले शरीर के बैकबोन की तरफ जुड़ा होता है, मतलब मुर्गा जैसे खड़ा है ऊपर वाले हिस्से में स्क्रीन से डायरेक्ट लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिस आर बीन शेप्ड, ये बीन मतलब सेम के शेप का होता है, अगेंस्ट द बैकबोन इन फ्रंट ऑफ किडनी, किडनी के सामने ही लगा होता है। उसके बाद ये साइज इसका जो है हमेशा छोटा नहीं होता, बल्कि जब इन्हें मेट करना होता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो उस समय यह बड़ा हो जाता है, उसके बाद यह नॉर्मली छोटा रहता है। उसके बाद आगे बात किया जाए कि जो लेफ्ट टेस्टिस है वो बड़ी होती है, मतलब बाएं वाली जो टेस्टिस है वो दाहिने वाली से थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके बाद ऑन द इनसाइड ऑफ ईच स्मॉल फ्लैटेंड एरिया पिरामिड, मतलब जैसे मेल में मेल के टेस्टिस मतलब ह्यूमन के मैमल के बात करें हम लोग तो उसके टेस्टिस में इपिडाइडेमिस पाया जाता है। जैसे कि आप फिगर में हम एक फिगर बना रहे हैं तो यदि मेल के ह्यूमन के या फिर किसी और जानवर के टेस्टिस की बात किया जाए तो ऐसे अगर टेस्टिस होगा तो टेस्टिस के अंदर क्या टेस्टिस के अंदर ऐसे 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 बहुत ही उलझी हुई एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग इपिडाइडेमिस कहते हैं। तो इसमें भी माना जाता है कि एक इपिडाइडेमिस जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन वह बिल्कुल इपिडाइडेमिस नहीं होता। जो डिफरेंट डक्ट है स्टार्ट इट इज फ्लैटेंड एरिया, जो डिफरेंट डक्ट है वो वहां यहाँ से खुला हुआ, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ खुले हुए एरिया से इपिडाइडेमिस जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए इपिडाइडेमिस से जुड़कर डिफरेंट डक्ट यहाँ से निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि दो टेस्टिस, दोनों टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पर्म यहाँ इपिडाइडेमिस में निकल के आता है, इपिडाइडेमिस फिगर देख सकते हैं। उसके बाद यह इस डिफरेंट डक्ट की मदद से, पीले वाले हल्का पिंक वाले डक्ट की मदद से यहाँ क्लोएका तक चला आता है, क्लोएका से रिप्रोडक्शन करता है। तो आपने यह समझ लिया। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं डिफरेंट डक्ट क्या होता है। तो डिफरेंट डक्ट के बारे में हम लोग ज्यादा न पढ़ें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना बस जानिए जो हमने पहले बताया कि डिफरेंट डक्ट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस वेयर दे आर फ्रॉम टू क्लोएका। मतलब क्या सिंपल सी भाषा कि टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को, क्या टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है, जैसे ये जो टेस्टिस है
इसमें जो स्पर्म बन रहा है इन दोनों टेस्टिस में, तो ये यहां से एपिडाइडेमिस से पार होते हुए इस डिफरेंट डक्ट से वो स्पर्म क्लोएका में आता है। तो डिफरेंट डक्ट का फंक्शन क्या हुआ कि टेस्टिस से बने हुए स्पर्म को क्लोएका तक पहुंचाना ही फंक्शन है, क्या कार्य है किसका, डिफरेंट डक्ट का। तो ये इसका कार्य प्रणाली हमने समझ लिया। उसके बाद आगे हम लोग बात करें कि ये फ्रॉम विच दे इंटर द ओविडक्ट ऑफ द फीमेल व्हेन मेटिंग, और ये क्या करता है, यही जब मेटिंग के समय क्या होता है, ये स्पर्म को उसके मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट तक पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है, द डिफरेंट डक्ट इंटर ए स्मॉल पिंपल लाइक स्ट्रक्चर। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें पेनिस नहीं होता बल्कि उसमें एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर जैसा छोटा सा दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, वही किसका, वही क्या कार्य करता है, वही कार्य करता है मेटिंग का, पेनिस का जैसा कार्य करता है ये। आगे हम लोग देखा जाए कि यह होता कैसे है, मतलब यह प्रोसेस कैसे होता है, तो डिफरेंट डक्ट इज क्वाइट नैरो एट फर्स्ट बट वाइडेंस एट द अप्रोच टू क्लोएका। मतलब जो डिफरेंट डक्ट होता है वह स्टार्टिंग में तो बहुत पतला होता है लेकिन बाद में जाते जाते क्लोएका तक पहुंचते पहुंचते चौड़ा होता है। जैसे देखिए यहां से बहुत पतले से स्टार्ट हुआ है लेकिन नीचे जाते 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 ये क्या हुआ, चौड़ा हो गया है। तो यही बता रहा है डिफरेंट डक्ट जो होता है स्टार्टिंग में पहले पतला होता है बाद में यह चौड़ा हो जाता है। तो इसका हमने फंक्शन समझ लिया, इसका कार्य समझ लिया, इसका ऑर्गन समझ लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं देखते हैं टेस्टिस और स्पर्म, क्या टेस्टिस और स्पर्म क्या होता है। तो जैसा कि टेस्टिस और स्पर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देखा जाए कि टेस्टिस जो होता है वह ट्विस्टेड ट्यूब कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फॉर्म। मतलब कि टेस्टिस में पतले पतले मुड़े हुए ट्यूब्स होते हैं जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। उस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। अभी आपने अगर हमारे वीडियो देखा होगा तो उस पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड किया गया कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन समझ सकते हैं क्या होता है, तो कोशिका विभाजन वही होता है, वहीं पर मियोसिस का प्रक्रिया होती है, मतलब अर्ध कोशिका विभाजन, उसी से क्या होता है कि स्पर्म बनता है। तो जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म में आधे क्रोमोजोम, जैसे अगर मुर्गे में बात करें तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे हमें कंफर्म हम नहीं बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि यदि मुर्गे में 18 क्रोमोजोम हैं तो उसके जो मतलब स्पर्म बनेगा उसमें सिर्फ 9 क्रोमोजोम ही आएंगे, तो आधा हो जाता है, क्या आधा हो जाता है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि मुर्गे का कितना क्रोमोजोम होता है। तो वैसे जो बात है देख सकते हैं कि जो स्पर्म है वो क्या करता है, आधा क्रोमोजोम को लेकर के तैयार हो जाता है। जब स्पर्म तैयार हो जाता है तो वह क्या करता है, आ जाता है। अगर बात करें 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड सीमेन प्रोड्यूस्ड बाय मेल कंटेंस एवरेज 3 to 5 million स्पर्म, मतलब कि अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर की बात किया जाए उतने स्पर्म में करीबन 3 to 5 million स्पर्म होते हैं मुर्गे के, कितना 30 to 50 lakh स्पर्म पाए जाते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। ये एक मात्रा है बिल्कुल छोटी सी, उतने में ही इतना स्पर्म पाए जाते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से स्पर्म को देखा जाए तो यह लॉन्ग पॉइंटेड विथ अ लॉन्ग टेल, मतलब एक सर ऐसे पॉइंटेड सर, उसके बाद लंबी सी पूंछ, कुछ इस आकार का उसका स्पर्म दिखता है, ये फॉल का स्पर्म इस आकार में दिखता है। आगे बात किया जाए, टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, टेस्टिस से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है, जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम ग्रोथ एंड कंडीशन मेल बिहेवियरिंग मेटिंग। मतलब जो एंड्रोजन हार्मोन होता है जैसे ह्यूमन में या फिर किसी और जानवर में कार्य करता है उसी हिसाब से काम करता है, मतलब जो द्वितीयक सेक्स की चरित्र होते हैं उसको दिखाता है, जैसे कि मुर्गे के सर पे जो ललरी होती है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद मेल के बिहेवियर को, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक रहने वाला, मेटिंग करने की क्षमता, ये सभी उसके अंदर बढ़ा देता है। तो ये एंड्रोजन हार्मोन का काम होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें देखा टेस्टिस के बारे में, स्पर्म के बारे में, मतलब टेस्टिस कैसे हुआ, स्पर्म कैसे बना, तो स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मदद से, सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, उसके साथ हमने पढ़ा डिफरेंट डक्ट जो कि टेस्टिस से क्लोएका तक क्या होता है, ओपनिंग बाहर, मतलब उसके बाहर तक पहुंचाने का काम करता है, या इसके बारे में स्ट्रक्चर आपने देखा कि इसमें एक पेनिस पिंपल लाइक स्ट्रक्चर जो पेनिस का कार्य करता है। उसके बाद आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यूरिनरी सिस्टम, साथ में फिगर को भी देखा, फिगर में क्या कि मतलब दो
टेस्टिस टेस्टिस से प्रोड्यूस हुआ स्पर्म इपिडाइडेमिस में आई, इपिडाइडेमिस से या डिफरेंट डक की मदद से क्लोइका तक पहुंच गया। और ये क्लोइका बाहर वाला आर्गन होता है मेल का, जो जो क्या करता है मेटिंग में डायरेक्ट रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, अगला फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का टॉपिक हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।